है गुजरात में बिल्किस बानो का जो है रेप हुआ था और 5 साल का उनके पेट में बच्चा था, लेकिन उसके जो आरोपी हैं उनको जेल से रिहा कर दिया गया है, इसको लेकर के क्या रिएक्शन है आपका? ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था और जिसका बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी अस्मिता को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, उस भाषण की परिणति यह है कि उन्हीं के राज्य गुजरात में जघन्य अपराध, जिसको आप कह सकते हैं बर्बर अपराध, की एक गर्भवती महिला के साथ गैंग रेप करने वाले आरोपी जेल से रिहा किए जा रहे हैं सरकार की कृपा पर। ऐसे में मौजूदा दौर में भाजपा की कथनी और करनी का इससे सटीक उदाहरण कुछ नहीं हो सकता कि माइक पर खड़े होकर के, लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के आप महिला सुरक्षा पे भाषण दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनके गृह राज्य में आरोपी रिहा किए जा रहे हैं सरकार की कृपा पर। चुना भी किनको गया? बलात्कार के आरोपियों को, गैंग रेप के आरोपियों को, गर्भवती महिला के गैंग रेप के आरोपियों को। इससे शर्मनाक कोई घटना, कोई उदाहरण नहीं हो सकता दोहरे चरित्र का। कल 15 अगस्त 2022 को जब पूरे देश ने स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाया, वहीं गुजरात सरकार ने एक चौंका देने वाला ऑर्डर पास किया बिल्किस बानो रेप केस में। 11 अपराधी जिन्हें आजीवन कारावास की सजा थी वो आजाद हुए और उनका स्वागत मिठाई से किया गया। ये कैसे लोग हैं जो खुशी मना रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकती कि बिल्किस बानो और उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किला से महिला सुरक्षा और महिला की इज्जत की बात करी। मैंने सुना केंद्रीय सरकार इस निर्णय के खिलाफ थी। मैं अपील करती हूँ केंद्रीय सरकार को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी खुद इस केस में ध्यान देंगे।